नाम से बढ़ते जाए सभी की माता रानी के दर्शन होंगे, जैसे आपको जगह मिलेगी दर्शन के लिए आगे पर बढ़िएगा। आप लोग श्रद्धा लगन के साथ माता रानी के दरबार पे आए, माता रानी सबके हैं, सबको दर्शन देंगे। साथ में आए बच्चों का विशेष ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चे जो साथ में आए मेरे लिए बच्चों का साथ न छोड़े। मंदिर के पीछे रोपवे से आए दर्शनार्थी, रोपवे का दर्शन मंदिर के बगल से बगल से जाएंगे और सामने के गेट से आके माता रानी को दर्शन देंगे। मंदिर के बगल से रोपवे का दर्शन मार्ग गली के अंदर से जाएंगे और सामने के गेट से आके माता रानी के दर्शन देंगे। सभी के माता रानी के दर्शन होंगे। आप बस मगन से माता रानी के दरबार पे आ चुके हैं, माता रानी सबसे सबको दर्शन देंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ शारदा के मंदिर में है, जो कि मैहर नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान का महत्व यह है कि ये माँ सरस्वती का पावन धाम कहा जाता है। माँ शारदा माँ सरस्वती का ही स्वरूप मानी जाती है और यहाँ पे आला उदय कृष्ण पूजा करता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में जब मंदिर बंद हो रहा था तब सुबह जब मंदिर जब खुला होता भोर में तब यहाँ पे एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि फूल आला उदय के द्वारा चढ़ाया जाता है माँ शारदा के मंदिर में, माँ मैहर धाम। माँ शारदा का पावन मंदिर पावन धाम, माँ सरस्वती वाग देवी विद्या की देवी माँ सरस्वती का पावन धाम है। माँ सरस्वती का पावन धाम माँ शारदा मंदिर। मैं विवेक शुक्ला आपको दिखा रहा हूँ माँ सरस्वती का माँ शारदा का पावन मैया धाम से मध्य प्रदेश के सतना जिले में। आप हमारे सामने देखिए हरी भरी पहाड़ियाँ भी नेपालियों के बीच में ये काफी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये माँ का मंदिर। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। आज का उनका मंगलवार है, आज दिनांक है 24 जुलाई 2012 की। चारों तरफ से हरी भरी वादियाँ हैं, बादल छाए हुए हैं, काफी सुंदर मौसम है यहाँ का। आप हमारे सामने देख रहे हैं इतना सुंदर हरियाली भरा वातावरण हमको ये शिक्षा देता है, संदेश देता है कि इसी प्रकार यदि हरे भरे वृक्षों के बीच में रहें तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमको हमेशा वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। माँ शारदा के मंदिर में आकर के हम दर्शन पूर्ण करें, साथ ही साथ यदि हम एकाध वृक्ष भी लगाएं तो माँ शारदा हमसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। ये हमारे फैमिली के मनौती के रूप में यहाँ पर आके लोग कुछ लोग भागा चुनी ये शनि का वृक्ष है, उस शनि के वृक्ष में यहाँ पर लोग मनौती के रूप में कोई भागा और कोई चुनी बांधा ये हमारे सामने होती है। ये शनिवार को इस मंदिर की शनिवार को इस मंदिर इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। कुछ लोग हमारे सामने कुछ लोग है जो कि ये बोलबम वाले हैं, ये भी आकर के अपना मनौती के रूप में धारा बांध रहे हैं। इस सभी वृक्ष के नीचे मनौती के रूप में लोग धागा और चूड़ी बांधते हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं कुछ लोग आए हुए हैं, बोलबम के लोग हैं, शिवभक्त हैं जो कि यहाँ पे आकर के अपना मनौती का धागा बांध रहे हैं। तो आप लोग बताएं ये मनौती का धागा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं बताएंगे? अरे मनौती का नाम आप दिए तो चढ़ाने के लिए नहीं चाहे तो यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मनौती का धागा ही बांधे। आप लोग भी कुछ मनौती लेके आए हुए यहाँ पे अपने दर्शन करने के लिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं विवेक शुक्ला आपको दिखा रहा हूँ माँ शारदा के पावन धाम मैहर धाम से माँ शारदा का पावन धाम।